संत पौलुस का पत्र अध्याय एक पद संख्या 21 से 25 तक। गुरुवर आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपका आशीष दे। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति, किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं। इसलिए मैं नहीं समझ पाता कि क्या चुनूं। मैं दोनों ओर खींचा हुआ हूं। मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। यह निश्चय ही सर्वोत्तम है, किंतु शरीर में मेरा विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सहायता करूंगा, जिससे आपकी प्रगति हो और विश्वास में आपका आनंद बढ़े। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। पवित्र सुसमाचार सुने आप लोगों को शांति और आपको भी। संत मरकुस द्वारा खुश हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 9 वाक्य 2 से 8 तक। 4 दिन बाद ईसा ने पेत्रुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ पिताचित कर रहे थे। उस समय पेत्रुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से एक वाणी सुनाई थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों और दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय।